पुलिस की यह सायरन रांची की है। रांची पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। दरअसल रांची मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर में असामाजिक तत्वों ने मंगलवार की देर रात हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। मूर्ति खंडित होने के बाद बुधवार की सुबह मल्लाह टोली में रहने वाले लोग एकजुट हो गए और हंगामा करने लगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इधर हिंदू संगठनों के लोगों ने पूरी घटना की जानकारी रांची SSP को उनके आवास जाकर दी। लोगों का कहना था कि मूर्ति को खंडित कर शहर में अशांति फैलाने की कोशिश की गई है। मल्लाह टोली के हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को, मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, जो कि बेहद ही निंदनीय है। तो चूंकि एक दुर्गा पूजा का माहौल है, हम लोग वहाँ गए। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ के DSP से बात करके सीनियर SP का समय लिया और हम लोग यहाँ मिले। और SSP महोदय ने बताया कि जो एक व्यक्ति के द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है और उन्होंने मंदिर के अलावा कोई और धार्मिक आस्था की जो जगह है उसको भी क्षतिग्रस्त किया गया है, तो इन सब बिंदुओं को लेकर के हमने जांच का आग्रह किया। और जैसा प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि वह विक्षिप्त युवक है, लेकिन SSP महोदय के द्वारा जांच करने की बात कही गई है। और चूंकि दुर्गा पूजा भी काफ़ी नज़दीक है, तो हम लोगों ने SSP महोदय से यही आग्रह किया कि अगर किस जो आज की घटना हुई है उसके पीछे क्या मंशा है, क्या रांची के माहौल को लोग ख़राब करना चाहते हैं या जानबूझकर हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह का घृणित कार्य किया गया है, इसका गहराई से जांच हो और पूरे दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, सारे मंदिरों की और सारे पूजा पंडालों की पुख्ता व्यवस्था सुरक्षा किया जाए और साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती बढ़ाया जाए। यहाँ इधर मामले में रांची पुलिस ने एक आरोपी रमीज अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी से थाने में पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए रांची मेन रोड और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रवियों से निपटने के लिए मेन रोड में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा और एक तरीके से मैं इस प्रकार के पोस्ट या फोटोग्राफ्स डालने वाले लोगों को आगाह भी करना चाहूँगा कि कोई भी इस तरीके का पोस्ट, कोई भी इस तरीके की तस्वीर, कोई भी इस तरीके का तथ्य ना तो आप पोस्ट करें ना ही शेयर करें, जिससे कहीं से भी सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, आपसी जो संबंध हैं विभिन्न समुदायों के वो बिगड़ सकते हैं। हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साइबर सेल इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों से भी अपील होगी कि आप जिस भी ग्रुप में हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो भी लोग हैं, अगर कोई भी इस तरीके का पोस्ट करता है कृपया करके पुलिस को तुरंत बताएं। पुलिस भी मॉनिटरिंग कर रही है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते आए हैं कि जब भी इस तरीके की कई बार कोई घटना होती है या घटना की खबर आती है तो कई बार उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके या बहुत ही अलग तरीके से उसको पेश करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ने की, विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। मैं ऐसे सारे लोगों को आगाह करना चाहूँगा कि रांची पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है और इस तरीके का अगर कोई भी अटेम्प्ट लेगा तो उसको बख्शा जाएगा।